लेकिन कस्टडी में दो दो एक्स एमएलए एक्स एमपी को गोली मार देता है, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर है? क्या आपको एक मिनट भी रहने का राइट है? क्या आपको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? क्या राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए? पुलवामा में जवानों को मारने की साजिश बीजेपी की सरकार चुनाव जीतने के लिए की थी। पुलिस और सरकार साजिश रच के कल न्यायिक हिरासत में दो भाई को जो एक्स एमपी एमएलए थे उसकी हत्या करवा दी। नमस्कार, मैं हूं काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। यूपी के प्रयागराज में कल देर रात अतीक और अशरफ को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे देश सहित बिहार में भी राजनीति हो रही है। साफ तौर पर बिहार में कहा जा रहा है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिगड़ता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि इसी पे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साफ तौर पे कह दिया है कि इस तरीके से पुलिस कस्टडी में लोगों की हत्या होने लगेगी तो आम जनता कैसे सुरक्षित है। वहीं कहीं ना कहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, पहले आप वो सुने। योगी जी, आपकी सरकार कितनी खतरनाक है जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करता है। कस्टडी में आम आदमी की क्या स्थिति होगी? कस्टडी में आपके यहाँ अपराधी एक बंदी को गोली मार देता है, वो अपराधी क्रिमिनल कोर्ट तय कर ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कस्टडी में दो दो एक्स एमएलए एक्स एमपी को गोली मार देता है, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर है? क्या आपको एक मिनट भी रहने का राइट है? क्या आपको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? क्या राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए? अब तीसरी तरफ जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपके ही गवर्नर सतपाल जी ने कल पुलवामा में जवानों को मारने की साजिश बीजेपी की सरकार चुनाव जीतने के लिए की थी और मोदी जी ने लगातार उन्हें चुप रहने को लिखा कहा। आपके गवर्नर को, आपका गवर्नर कहता है कि जब भी कभी जम्मू कश्मीर का कोई बात होता था हमें कहा जाता था चुप रहो, और वो हेलीकॉप्टर देने में सक्षम थे। अभी तक आरडीएक्स कहां से आया ये जांच नहीं हुई, कौन लाया जांच नहीं हुई। जिस गाड़ी से सेना की गाड़ी जा रही थी जिस रोड से, उस दूसरे रोड को बंद कर दिया जाता था, उस रोड को बिना बंद किए छोड़ दिया गया, और उधर से आप कह रहे हैं कि आरडीएक्स दिया हुआ गाड़ी आई और टकरा गया। तो ये कौन सी साजिश थी और किसने ये साजिश रची? 42 जवानों को शहीद किसने करवाया? ये शहीद हुए नहीं थे, और ये बात आपके ही गवर्नर कह रहे हैं कि करवाया गया। क्या आप जनता के नजर में आप सबसे बड़ा भीलन नहीं है कि अपने सत्ता के लिए आप 40 जवान को मरवा दिए? और जब ये मुद्दा उठा, पूरे देश में चर्चा शुरू हुई कि सीआरपीएफ और सबको मरवाए, तो आपने और आपकी सरकार ने पुलिस और सरकार साजिश रच के कल न्यायिक हिरासत में दो भाई को जो एक्स एमपी एमएलए थे उसकी हत्या करवा दी, सिर्फ उस मुद्दे से भटकाने के लिए, सिर्फ गोदी मीडिया को एक मुद्दा देकर पुलवामा जैसे चीजों को सामने में से खत्म करने के लिए। मैं हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा चंद्रचूड़ जी आपसे, पुलवामा की भी जांच होनी। आपने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को सुना जो कि योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि योगी जी आप इस्तीफा दे दीजिए और यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। वहीं उन्होंने पुलवामा अटैक को लेकर भी केंद्र सरकार पर जमकर बरसे हैं और जमकर सुनाए हैं केंद्र सरकार को। और वहीं आपको बता दें कि योगी सरकार पर भी जमकर बरसते हुए नजर आए हैं और साफ तौर पे योगी सरकार से इस्तीफे की मांग कर दी है। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।